हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, होली आ गई है और होली के दिन पे हम क्यों ना कुछ स्पेशल बनाएं। तो आज मैं आप सभी के साथ चंद्रकला की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि कुछ ज़्यादा ही टेस्टी बन के तैयार हुई है। बस आप मेरे मेथड को फॉलो करते जाइएगा और आपकी चंद्रकला की रेसिपी बिल्कुल अच्छे से बन के तैयार हो जाएगी। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। चंद्रकला बनाने के लिए हम 250 ग्राम मावा लेंगे और इसे गर्म कढ़ाई में डालकर अच्छे से गर्म कर लेंगे। अच्छे से स्टर करेंगे और हमें इसका कलर चेंज नहीं करना है, बस हमें इसे अच्छे से गर्म कर लेना है ताकि जब हम इसे मैदे वाले रोटी में फिल करें तो ये अच्छे से फिल हो जाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे फ्लेम को मीडियम रखा है और अच्छे से स्टर करते हुए इसे पका लिया है। और जब ये अच्छे से स्मूथ हो जाए, आप स्क्रीन में देख सकते हैं, तो हम इसे बाउल में निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब सेम कढ़ाई में आधी चम्मच देसी घी का यूज़ करेंगे। इसे अच्छे से गर्म होने दें और यहाँ पे मैंने 3-3 चम्मच चॉप की हुई काजू बादाम और चिरौंजी को ले लेंगे। चिरौंजी को मैंने चॉप नहीं किया है क्योंकि वो पहले से ही छोटी होती हैं साइज में। मीडियम फ्लेम करके हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे और उसी घी में हम 6 चम्मच सूजी को डाल देंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे जब तक कि सूजी का कलर चेंज नहीं हो जाता, और फ्लेम को आप मीडियम ही रखिएगा, हाई मत करिएगा। तो आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज होने लगा है और जब इसमें से अच्छे से खुशबू आने लगे तो हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। इसे मैं मावा वाले बाउल में ही निकाल रही हूँ क्योंकि हमें इन सारी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स करना है। तो एक बार इसे इसी में निकाल लें और इसे ठंडा होने के लिए रख दें। अब हम एक बाउल में 2 से 2.5 कप मैदा ले लेंगे। ग्राम में बात करें तो 200 ग्राम मैदा है। इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे। अगर आप कोई भी मीठी चीज़ बनाते हैं उसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे तो उसका टेस्ट दोगुना हो जाएगा। आधी चम्मच देसी घी को ऐड करें। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें और आप इसे मुट्ठी से दबा के देखिएगा, इसकी बहुत ही अच्छी बाइंडिंग आएगी। अगर आपके मैदे में इस तरह की बाइंडिंग ना आए तो थोड़ा सा घी और ऐड कर लीजिएगा और फिर चेक करिएगा कि बाइंडिंग आ रही है कि नहीं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे से गूंथ लेंगे। एक साथ ही पानी ना डालें, नहीं तो हमारा डो जो है वो गीला हो जाएगा। अब इसे ढक दें 10 मिनट के लिए। और आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ये जो मावा वाला मिक्सचर है ये बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो गई है। अब हम इसमें 9 चम्मच चीनी को मैंने ग्राइंड कर लिया है, उसे ऐड कर देंगे। चंद्रकला को हम चाशनी में बनाते हैं पर हम इसकी फिलिंग में भी चीनी को ऐड करेंगे क्योंकि जब इसकी फिलिंग और कवरिंग दोनों चीज़ों में अच्छी सी मिठास रहेगी तभी ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। और चीनी को मैंने मिक्सर में ठंडा होने के बाद इसलिए ऐड किया है क्योंकि अगर आप इसे गर्मा गर्म ही ऐड कर देंगे तो चीनी मॉइस्चर रिलीज करती है जिससे कि हमारा डो गीला हो जाएगा और हमें स्टफिंग करने में दिक्कत आएगी। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये देखिए हमारा लाइट मीठा मिक्सर बन के तैयार हो गई है। 10 मिनट हो गया है और आप देख सकते हैं आटे हमारे बिल्कुल सेट भी हो गए हैं। तो अब हम इसमें 1-2 बार पंचिंग कर लेते हैं और फिर अब हम इसकी 1 साइज की लोइयां बना लेंगे। बड़ी साइज की लोइयां बना के रखेंगे और इसका डो जो मैंने तैयार किया है वो बहुत ही खस्ता बन के तैयार हुआ है। जब आप इसे फ्राई करेंगे और चाशनी में डिप करेंगे तो ये बहुत ही अच्छी लगती है। आप इसे एक बार मेरे मेथड से बना के ट्राई करिएगा और बताइएगा कि आपको कैसा लगा। यहाँ पे मैंने 2 बड़ी साइज की लोइयां बना के रख ली है। तो अब हम इसे रोल करते हैं। रोल करने के लिए हम इसे पतला रोल करेंगे, जैसे नॉर्मल रोटी रहती है उस तरह से। बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं करना है, नहीं तो जब आप इसे फ्राई करेंगे तो ये फट जाएगी। अब एक बड़े साइज का ग्लास लेंगे और उसकी हेल्प से हम 1 साइज का रोल कट कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन में। यहाँ पे मैंने 1 साइज के मैदा की रोटियों को अच्छे से कट करके निकाल लिया है। तो अब हम इसकी फिलिंग करेंगे। यहाँ पे मैंने जो मावा वाला मिक्सचर तैयार किया है उसे मैदे वाले रोटी के सेंटर में रखेंगे और किनारों पे अच्छे से पानी लगा लेंगे, नॉर्मल पानी रहेगा। और अब हम दूसरी मैदा की रोटी को लेंगे और उसके ऊपर भी पानी को अप्लाई कर लेंगे। किनारों पे अप्लाई करना है और इसी से हम मावा वाले फिलिंग को कवर कर देंगे। अच्छे से हम इसे कवर करेंगे। थोड़ा सा छोटा पड़े तो आप इसे किनारों के साइड ले आएगा और इसे अच्छे से पुश कर लीजिएगा जिससे कि ये सारी चीज़ें अच्छे से सील हो जाएंगी। हम इसे अच्छे से दबा लेंगे और अब हम इसको रोल करेंगे किनारों से। आप देख सकते हैं स्क्रीन में, इस तरह से हमें रोल करना है जिससे कि ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है और जैसी चंद्रकला रहती है उस तरह से बन के तैयार हो जाएगी। और आप देख सकते हैं बिना सांचे का ही मैंने ये बहुत ही अच्छे से चंद्रकला बना के तैयार कर लिया है। इसी तरह से हम सारी चंद्रकला को बना लेंगे
और आप स्क्रीन में देख सकते हैं यहाँ पे 11 से 12 पीस चंद्रकला बनके तैयार हो गई है। तो अब नेक्स्ट स्टेप, अब हम इसे फ्राई करने के प्रोसेस पे चलते हैं। तो फ्राई करने के लिए हम फ्लेम ऑन करके कढ़ाई को रख लेंगे और उसमें घी को अच्छे से ऐड करेंगे ताकि जब हम चंद्रकला डालें तो वो अच्छे से डिप हो जाए। ऐसा करने से चंद्रकला हर तरफ से बहुत ही अच्छे से फ्राई होगी और चंद्रकला का कलर भी बहुत ही अच्छा आएगा। तो आप अच्छे से घी डालिएगा और घी को अच्छे से गर्म होने देते हैं। घी जब तक गर्म हो रही है तब तक हम इधर चाशनी की तैयारी कर लेते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 से 1.5 गिलास पानी ले लिया है और इसमें 2 बॉल शुगर को ऐड कर देंगे। चम्मच से बात करें तो 4 चम्मच, यहाँ पे वीडियो बन नहीं पाई है तो आप 4 चम्मच चीनी को ऐड कर दीजिएगा। अब हम इसे अच्छे से मेल्ट होने तक अच्छे से चलाते रहेंगे। फ्लेम को हाई रखें और थोड़ा सा केसर के धागे डाल देंगे। चीनी मेल्ट हो गई है तो मीडियम फ्लेम करके हम इसे पकने देते हैं और इधर घी भी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है तो अब हम इसमें 1-1 पीस करके चंद्रकला को ऐड करेंगे और फ्लेम को मीडियम कर देंगे। तुरंत ही हमें इसे स्टर नहीं करना है, जब ये थोड़ा सा हल्का सा नीचे से पक जाए तभी हम इसे स्टर करेंगे। मीडियम फ्लेम पे ही हम इसमें गोल्डन ब्राउन कलर आने तक का वेट करते हैं और इसे हम कंटिन्यू नहीं चलाएंगे, अच्छे से उलटते पलटते रहेंगे ताकि ये हर तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए। और ये देखिए इसमें बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है तो अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं और ऐसा ही कलर हमें चाहिए भी। सेम प्रोसेस से बाकी बचे चंद्रकला को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे हर तरफ से चलाते हुए और उसी तरह से फ्लेम को लो करते हुए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं चाशनी भी हमारी अच्छे से बन गई है। तो अब हम फ्लेम को ऑफ करते हैं और इसे भी थोड़ी देर के लिए रख देते हैं ताकि ये हल्का सा नीम गर्म रहे, एकदम ठंडा ना हो। और इधर भी इसमें भी अच्छा सा कलर आ गया है तो इन सारी चीज़ों को हम प्लेट में निकाल लेते हैं। चाशनी को मैंने 1 तार वाली या 2 तार वाली नहीं बनाई है, ये नॉर्मली रहेगा, आप स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अब हम इसमें चंद्रकला को ऐड करेंगे और 10 मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही रहने देंगे। 10 मिनट में ही हम इसे अच्छे से उलट पलट लेंगे और जब 10 मिनट हो जाए तो हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। सेम प्रोसेस से बाकी बची चंद्रकला को भी चाशनी में ऐड कर देंगे। ध्यान रखने वाली ये बात है कि कोई भी एक चीज़ ठंडी होनी चाहिए, दोनों चीज़ गर्म ना हो, नहीं तो ये फूल के गुब्बारे हो जाएंगे। और चाशनी को भी आप बहुत ज़्यादा लाइट मीठा मत रखिएगा, नहीं तो इससे भी आपकी चंद्रकला अच्छी नहीं बनेंगे और ये फूल जाएंगे, जिससे कि इसका कलर, टेस्ट सब कुछ ख़राब हो जाएगा। स्क्रीन में आप देख सकते हैं हमारी चंद्रकला एकदम परफेक्ट बन के तैयार हो गई है। ऊपर से थोड़ा सा मैंने चाशनी को अप्लाई कर दिया है, अब थोड़ा सा सिल्वर सीड को अप्लाई कर देंगे और थोड़ी सी गार्निश के लिए कटे हुए पिस्ता को अप्लाई कर देंगे। और आप इसे इस होली ज़रूर बना के ट्राई करें और मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये बहुत ही पसंद आएगी। और अगर आप इसे मेरे तरीके से बनाते हैं तो एक बार में ही बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार भी हो जाएगी। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरे हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगी और आप मेरी वीडियो बिल्कुल आसानी से देख सकेंगे। तो आप इस रेसिपी को एंजॉय करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।